इमाम जैनुल आबिदीन हजरत हुसैन के बेटे थे। आप करबला में बच जाने वाले अकेले मर्द थे। हजरत जैनुल आबिदीन का असली नाम अली इब्ने हुसैन था, लेकिन काफी ज्यादा इबादत करने की वजह से उन्हें इमाम सज्जाद या जैनुल आबिदीन का लकब मिला। करबला के मौके पर इमाम जैनुल आबिदीन काफी ज्यादा बीमार थे, इसी वजह से मैदान में मौजूद होते हुए भी वो जंग में हिस्सा न ले सके। इमाम हुसैन की शहादत के बाद अहले बैत को कूफा ले जाया गया और इमाम हुसैन के मुबारक सर को नेजे पर रखा गया और कूफा के बाद इमाम हुसैन के सर को दमिश्क भेज दिया गया। बगावत के डर से इमाम जैनुल आबिदीन को यजीद ने मदीने भेज दिया और फिर कुछ अरसे बाद हजरत जैनुल आबिदीन को जहर देकर उन्हें शहीद कर दिया गया।